आज पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को SCO बैठक में बुलाया और उसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी। और दुनिया ने यह भी देखा कि जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा में मौज ले रहे थे तब पाकिस्तान में कैसे हमले हुए। उससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर भारत को शांति और स्थिरता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान सुनकर आज पाकिस्तानी लोग इतना रो रहे होंगे कि उनके देश में आंसुओं की बाढ़ आ गई होगी। वैसे अगर आपको लग रहा है कि भारत ने SCO बैठक में सिर्फ पाकिस्तान को दोहराया है तो आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान और उनकी कूटनीति को दोबारा समझना होगा। दरअसल भारत ने SCO बैठक में हमला तो पाकिस्तान पर किया था लेकिन इस हमले में घायल चीन हो गया। इसलिए चीन के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की हालत देख SCO बैठक से निकलकर सीधे पाकिस्तान पहुंच गए और पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने भारत को धमकी दी। चीन ने क्या कहा उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि चीन ने ऐसा क्यों कहा है। दरअसल चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत ने SCO बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता कहा है, लेकिन चीन इस बात से बेहद हैरान है कि भारत ने SCO बैठक में POK और CPEC प्रोजेक्ट को पाकिस्तान का सबसे बड़ा वीक पॉइंट बताया है। इससे आपको यह समझना चाहिए कि भारत पाकिस्तान से इतना गुस्साया हुआ है कि उसने SCO बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा में मौज ले रहे थे तभी पाकिस्तान में दो बड़े हमले हुए। ये हमले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हुए जहां पर तहरीके तालिबान कब्जा किए हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तहरीके तालिबान के इस हमले में 7 टीचर्स और 6 सैनिक शहीद हो गए हैं। अब चीनी विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर एक बैठक करने वाले हैं जिसमें तहरीके तालिबान पर चर्चा होगी। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान की तहरीके तालिबान को अफगानिस्तान की तालिबान का ही हिस्सा माना जाता है, इसलिए चीन ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को पाकिस्तान में बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्ट भारत।